नमस्कार दोस्तों। तो आज ऑफिशियली वीवो T35G इंडिया पे लॉन्च हो चुका है और मैंने एक पोल किया था, आप देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को पूछा था कि आपको कौन से स्मार्टफोन के साथ इसका कंपैरिजन देखता है, क्योंकि मैंने लकीली इस कंपैरिजन के अंदर जो जो भी स्मार्टफोन है सभी का रिव्यू मैंने कर दिया और कुछ तो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। और आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि आप लोगों को वीवो T35G और साथ में ये जो iQOO Z9 5G इसका कंपैरिजन देखना है, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम प्राइस पर में अवेलेबल है। iQOO आपको मिलेगा अमेजोन पे, वीवो आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट पे और दोनों का ही प्राइस है एग्जैक्टली सेम। तो इसलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस दोनों फोन के अंदर एक्चुअली कौन सा बेटर है और अगर आपको लेना है तो कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात का बार। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटल चैनल पर नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों फोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के कलर को देख। ये जो वीवो T35G आपको टोटल दो कलर पे मिलेगा, एक तो ये ब्लैक दूसरा ब्लू। उसी जगह पे जो iQOO Z9 5G आपको टोटल ग्रीन और ब्लू टोटल दो कलर पे हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम डिजाइन के बारे में बात करें इसमें आपको हल्का सा चेंज मिलेगा, क्योंकि जो iQOO उसके पीछे का जो पैटर्न वो एक्चुअली थोड़ा सा ब्रश स्ट्रोक जैसा पैटर्न है, लेकिन उसी जगह पे जो वीवो उसके पीछे का जो पैटर्न वो थोड़ा सा टाइल्स टाइप का पैटर्न है। तो नेक्स्ट अगर दोनों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इधर दोनों स्मार्टफोन के पीछे आपको मिलेगा मैट फिनिश टाइप का पॉलीकार्बोनेट बैक कवर, मतलब इस मामले में कोई भी डिफरेंस नहीं। डायमेंशन की अगर बात करें दोनों का ही थिकनेस है 7.95 मिलीमीटर और वेट है 188 ग्राम, मतलब इस थिकनेस वेट के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोनों ही फोन में आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल HD प्लस 120Hz एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ ऑलमोस्ट 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और साथ में ड्रैगन टेल 2 ग्लास प्रोटेक्शन। इसके अलावा दोनों पे आपको मिलेगा 300Hz का टच सैम्पलिंग रेट, HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन और 1800 nits का ब्राइटनेस। तो इसका मतलब इस डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट अगर प्रोसेसर की बारे में बात करें तो दोनों पे आपको मिलेगा Dimensity 7200 5G प्रोसेसर जो कि 4 नैनोमीटर पे बनाए और दोनों का ही AnTuTu स्कोर है 7,50,000 के आसपास। तो इसका मतलब इधर CPU के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। कैमरे की अगर बात करें इधर आपको एक स्लाइटली डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जो iQOO उसमें मिलेगा 50 और 2 का रियर कैमरा साथ में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी, वीवो भी आपको मिलेगा 50 और 2 का रियर कैमरा साथ में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। लेकिन काज है कि इसमें आपको एक थर्ड सेंसर भी मिलेगा जो एक्चुअली एक फ्लिकर सेंसर है। अभी जो फ्लिकर सेंसर इसका एक्चुअल यूसेज कैसा है, मतलब कोई यूसेज है कि नहीं, वीवो की तरफ से कोई कॉन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं। और ये चीज भी ध्यान में रखना, इन्फिनिक्स टेक्नो ऐसे ब्रांड भी एक AI सेंसर नाम का कुछ चीज इस्तेमाल करता है जिसका एक्चुअल रियलिटी में कोई यूसेज नहीं होता। तो इसलिए ये चीज हमें देखना पड़ेगा कि वीवो का जो फ्लिकर सेंसर वो इन्फिनिक्स टेक्नो का जैसा AI सेंसर होता है कि नहीं। और दोनों भी आपको मिलेगा सोनी IMX882 वाला सेंसर, दोनों को ही रियर कैमरे के साथ डुअल LED फ्लैश साथ में OIS EIS दोनों का ऑप्शन, मतलब इधर इस कैमरे के डिपार्टमेंट में दोनों एग्जैक्टली सेम। तो नेक्स्ट अगर दोनों के रैम और रोम के बारे में बात करें इधर दोनों ही फोन में आपको मिलेगा 8 128 GB और 8 256 GB, दोनों पे ही मिलेगा हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन। इसका मतलब आइदर 2 SIM कार्ड या फिर 1 SIM कार्ड और 1 SD कार्ड हम सेम टाइम इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा दोनों पे आपको मिलेगा LPDDR4X का रैम और उसके साथ UFS 2.2 क्वालिटी का स्टोरेज। तो इसका मतलब इधर इस बेटर क्वालिटी रैम और स्टोरेज के कॉम्बिनेशन पे दोनों ऑलमोस्ट सेम। नेक्स्ट अगर बैटरी के बारे में बात करें इधर दोनों ही फोन में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी साथ में 44W का चार्जर और दोनों का ही कनेक्टिविटी USB Type-C। इसका मतलब इधर इस बैटरी और चार्जर के कॉम्बिनेशन पे दोनों एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट अगर ऑडियो के बारे में बात करें दोनों ही फोन में आपको मिलेगा डुअल स्पीकर जिसके साथ DTS HD का सर्टिफिकेशन, मतलब इस ऑडियो डिपार्टमेंट में दोनों एग्जैक्टली सेम। पोर्ट्स की अगर बात करें दोनों पे आपको कोई भी 3.5 जैक देखने को नहीं मिलेगा और उसके साथ है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, मतलब इस पोर्ट्स डिपार्टमेंट में दोनों एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट अगर OS की बारे में बात करें दोनों ही फोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स, दोनों पे ही 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट हमें देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब इधर इस OS अपडेट साइकिल के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट 5G बैंड की अगर बात करें दोनों पे आपको मिलेगा टोटल 8 5G बैंड और दोनों पे ही N77 और N70 दोनों ही अवेलेबल है। इसका मतलब इधर इस 5G बैंड के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। और इसके बाद फाइनली अगर दोनों के प्राइस के बारे में बात करें ये जो दोनों स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च हुआ है 20,000 और 22,000 इसके दो वेरिएंट के लिए, iQOO आपको मिलेगा अमेजोन पे, वीवो आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट पे और दोनों स्मार्टफोन के हर एक वेरिएंट के ऊपर आपको 2,000 रुपए का कार्ड ऑफर आपको देखने को मिलेगा। तो यही था ये जो वीवो T35G और जो iQOO Z9 5G दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब दोनों स्मार्टफोन एक दूसरे का टोटली रिब्रांडेड वर्जन है। अभी आपको शायद लगेगा कि अगर दोनों स्मार्टफोन सेम ही है तो ब्रांड ने लॉन्च क्यों किया, इसका एक ही रीजन है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं बहुत सारे स्मार्टफोन बाय करता हूं, रिव्यू करता हूं, सेल करता हूं, तो मुझे डिफरेंट सेलर से बात करके ये चीज मालूम चला है
लोगों को वीवो ब्रांडेड स्मार्टफोन लेना पसंद है लेकिन आईक्यू ब्रांडेड स्मार्टफोन लेना पसंद नहीं है। मतलब आम लोगों को ये चीज मालूम ही नहीं कि वीवो और आईक्यू दोनों एग्जैक्टली सेम है। वीवो T3 और जो आईक्यू Z9 दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों का कस्टमर सर्विस सेम, दोनों का सब कुछ सॉफ्टवेयर कैमरा मतलब A to Z सॉफ्टवेयर जो एल्गोरिदम वो टोटली सेम, लेकिन फिर भी लोग वीवो का स्मार्टफोन लेना ज्यादा पसंद करते हैं और ब्रांड को भी ये चीज मालूम है। तो इसीलिए ब्रांड ने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया अमेजोन के लिए, एक स्मार्टफोन लॉन्च किया फ्लिपकार्ट के लिए। और इसका एक और रीजन भी है, मैंने ये चीज देखा है बहुत सारे लोगों को पर्टिकुलरली कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट में शॉपिंग करना पसंद आता है। फॉर एग्जांपल मुझे अमेजोन से प्रोडक्ट लेना पसंद है क्योंकि मुझे एक दिन में डिलीवरी मिलता है। मुझे फ्लिपकार्ट से लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि मुझे एक हफ्ते में डिलीवरी मिलता है। अभी आप लोगों के लिए वो उल्टा हो सकता है, हो सकता है कि आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है, अमेजोन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो इसीलिए ब्रांड ने दो मार्केट के लिए दो स्मार्टफोन लॉन्च किया है। रेडमी भी सेम चीज करता है और मेरे ख्याल से रिसेंटली लावा वालों ने भी एग्जैक्टली सेम चीज शुरू कर दिया। इसका मतलब दोनों स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम, आपको जो पसंद आता है वो ले सकते। तभी आप मुझे कुछ जरूर बताना कि आप दोनों स्मार्टफोन के अंदर कौन सा चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट में करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।